नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी न्यूज रूम में। और समय आपके साथ है, मैं हूं दिव्या अठवाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं उपचुनाव होने से पहले यानी कि कुछ ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को एक लेकर उनका विवादित बयान आया था, जहां पर उन्होंने इमरती देवी को आइटम कह दिया था। वहीं इस आइटम कहे जाने के बाद में पूरे राजनीति में बवाल उठ गया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है अभी तक शांति नहीं हुआ। इसके बाद में एक और मामला हमारे सामने आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा वो प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने भी इमरती देवी को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरती देवी आइटम नहीं बल्कि एटम बॉम्ब है, जो कि राजनीति यानी कि मैदान में उतरेगी तो पूरे कांग्रेस को धूल चटा देगी। जी हां, उन्होंने इस तरीके से एक बयान दिया है। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, जो कि अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ नेत्री के खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया है, जहां पर उनको आइटम बॉम्ब नहीं बल्कि एटम बॉम्ब बता दिया है, तो इस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की सोच बताती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसी बयान के बाद में कांग्रेस ने जो है चुनाव आयोग से शिकायतें भी दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग से भी इस बयान को लेकर भी शिकायत भी कर रहे हैं। तो ये था वॉइस ऑफ एमपी को लेकर अभी तक का अपडेट, जहां पर अब एक और नया मामला सामने आया, जहां पर पहले कमलनाथ द्वारा महिलाओं को लेकर लगातार राजनीति में मुद्दा उठाया जा रहा था, जिसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी वे अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेत्री के खिलाफ से किस प्रकार से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट जो वॉइस ऑफ एमपी ने आप तक पहुंचाया। ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद।